ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹੱਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ खुद हैरान हुए, यह देख एक इमारत से उची थां से लगी मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान की तस्वीर गैब सी, इमारत से कुछ शीशे टुटे हुए सन। इस संबंधी स्टाफ का की कहना है, खुद उन्होंने जुबानी सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ऑल पंजाब न्यूज। हाँ जी, मैं जो हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर मोहल्ला क्लीनिक के नाल उत्थे मैं एज ए हैल्थ इंस्पैक्टर की पोस्ट पर। सर दो महीने तकरीबन पहला भी इतने जो फार्मेसी वाला रूम है ना, ये तो शीशे तोड़ दते ही गए ने रात के टाइम, कोई तोड़ गया ही। यदि कंप्लेंट भी की विराला गंथियां चौंकी पता नहीं लग्या किन्ने तोड़े ही। उस तो बाद दो महीने तो ठीक रहे ने, कल एक वो सामने उपर वो देखो जिते आम आदमी क्लीनिक के उ मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी की फोटो लगी, वो भी ला के ला गया कोई, तो फिर दोबारा शीशे तोड़ गया। नहीं नहीं सौखा नहीं जी, ये पौड़ी ला के 12-13 फुट उची है, कोई न्याणा तो ला नहीं सकता इन, ये टारगेट रख के किया गया ना। नहीं, ये जो डॉक्टर साहब ने SMO साहब को फोन किया, संबंधित जी सा हायर अथॉरिटी है गुरदासपुर फोन किया, फिर उन्होंने बटाले SSP साहब को शायद जो फोन किया, कल डिप्टी साहब SHO सेखवा वाले चौंकी इंचार्ज भी कल हो के गए ने। तो जसवंत सिंह जी MPHW हाँ जी, हो सकता ये किसी होर तो कोई मकसद हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोटो लाउनी जी एक तो उच्ची बहुत आनू तो कोई टारगेट करके ही ला सकता ना, उदा तो कोई मकसद ही नहीं लाता है। हाँ जी, हो सकता अगे भी कोई नुकसान, कोई इस तो वड्डा भी कर सकता, इस तो वड्डा भी नुकसान हो सकता। असं तो यो चाहते हैं भी यदि किस तरह कोई रख्या हो जां चौकीदार हो जाए रात के टाइम, दिन तो चलो अं ड्यूटी पर होंगे कोई गल नहीं, दिन तो कोई गल नहीं है, पर रात के टाइम इतने कोई नहीं होंगे, इस करके कोई चौकीदार हो जाए तो सब तो वधिया। डॉक्टर जसमीत कौर गिल। हाँ जी, ये असी कल की गल हैगी 13 तरीक की, जो असी आए सवेरे 9 बजे आ गए थे, उदो असी आके देखिया भी एक तो जी CM साहब की फोटो होंगी है वो लाई हुई सी, ठीक है, तो दूजा की है भी साढ़े जो इधर हैगा नाल दा रूम, वो फार्मेसी वाला रूम है, उसे फार्मासिस्ट बैठते हैं, तो वो जी खिड़की सी वो टुटी हुई सी। हाँ जी, कंप्लेन तो नहीं असी कीती, एक्चुअली असी अपने जेडे डिपार्टमेंट नूं इनफॉर्म करता है, उन्हों अपने तौर पर देखेंगे कंप्लेन करेंगे उपर, बट कल जी पुलिस आई सी तो वो अपनी इनकुआरी वगैरह करके लै गए है जी। 2 महीने पहला एक्चुअली उदो भी किसी ने शायद बच्चों ने गेंद गुंद मार के तोड़िया या कुछ किसी होर ने तोड़िया, सानू उहदा नाम तो पता नहीं है भी की सीगा, पर 2 महीने पहला भी इदा होया सीगा, शीशा टुटिया होया सीगा। नहीं नहीं, अंदर का कोई नुकसान नहीं होया, बस सिर्फ बाहर का ही नुकसान होया। हाँ जी हाँ जी, कह सकते हैं क्योंकि फोटो तो काफ़ी उच्ची लगी हुई है ना, उहदे दिल ते स्पैशली तुहानू पौड़ी लैनी पएगी, फिर तुसीं उपर चढ़ के खोलोगे उहदे पेच वगैरह, फिर ही उहनू ला सकते हैं। डिपार्टमेंट नूं असीं यही लिख के दिता वा भी सानू एक चौकीदार जिहड़ा मुहैया करवाया जावे, जिहड़ा कि वैसे तो 24x7 ही चाहिए वा, बट चलो ये नहीं है तो तुसीं रात दे लई अवेलेबल करा दो, क्योंकि दिने तो चलो फिर भी लोग होंगे इत्थे, दिने तो जे कोई गलत आंसर होवे पता लग जाता वा, पर रात नूं तो फिर इत्थे कोई नहीं हैगा।